दुधाखेड़ी में आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन। भानपुरा तहसील के ग्राम दुधाखेड़ी में आपकी सरकार आपके द्वार शिविर दोपहर 2 बजे से आयोजित किया गया है। शिविर में दुधाखेड़ी, सातलखेड़ी, मिठनेड़ी, परौनिया, लोटखेड़ी, हरनावदा, खजूरना, कुतलखेड़ी, टुबनी के गांवों को इस शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों द्वारा बारी बारी से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। विधायक देवीलाल धाकर द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक श्री हितेश चौधरी एवं सीईओ जिला पंचायत श्री क्षितिज सिंघल, सभी जिला अधिकारी एवं क्षेत्र के आसपास गांव के ग्रामीण लोग उपस्थित थे। संवाददाता अशोक पाटीदार की रिपोर्ट। किसी मेंबर को पता नहीं है और फर्जी पट्टा दे रहा है। किस गांव की बात है? ये संदारी की बात है। हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे दिया, तहसीलदार को भी दे दिया, एडीएम साहब को भी दे दिया, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये है हमारे पास आवेदन है। वे कहते हैं आप रुको रुको, कब तो रुको। आपको आवेदन दिए और अभी 2-3 महीने हो गए। 3 महीने से कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। बार आप अधिकारी के पास कब गए थे? अभी गए थे हम 23 तारीख को। उन्होंने बोला है कि हम आएंगे, आपकी जांच पड़ताल करेंगे संदारा में, और आए नहीं अभी तक। हमने बोली तो आएंगे, कब आएंगे? आज आप देखिए, इस समय सब लोग अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं सरकार के द्वारा। सरकार ने बनने के पहले किसानों से, युवाओं से, सब लोगों से और वचन दिया था कर्जा माफ़ करने का, और हम जानते हैं कि आज किसान छलावा इसलिए महसूस कर रहा है कि उसका कर्जा जो है वो जमा नहीं हुआ, उसके कारण वो डिफ़ॉल्टर घोषित हो गया और उसको फसल बीमा का लाभ भी नहीं मिला। एक तरफ अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें चौपट हो गई, घरों में नुकसान हुआ, और इसी स्थिति में ना उसको फसल बीमा का मुआवजा मिल रहा है, और इसके कारण किसान बड़ा दुखी है। उसकी आने वाली फसल की भी उसको चिंता कि हम कैसे बोएंगे, और इसलिए भी पिछले समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने धरना दिया था, हमने ज्ञापन दिया था, और इसलिए किसानों को और आगे आने वाली फसल के लिए भी बिना ब्याज के ऋण देना चाहिए, ताकि वो खाद और बीज की व्यवस्था कर सकें। केवल औपचारिकता के लिए और आपकी सरकार आपके द्वारा लगाने से कोई अर्थ निकलता नहीं है, और इसलिए मैंने अभी यहाँ पर भी और सब जिलाधिकारियों को ये कहा है कि किसान के साथ कोई भी असम्मान न करें और सभी विभाग वाले अपने दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वाह करें। मुख्यमंत्री द्वारा 30,000 की जो प्रति हेक्टर की जो मुआवजे की बात कही गई, लेकिन 16,000 रुपये हेक्टर का जो आदेश आया तहसीलदारों के पास, उसका क्या कहेंगे आप? वो तो सरकार ने पहले का जो कहती वो करती नहीं है। 2 लाख का कर्जा माफ का कहा था, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक किसान भटके मार रहे जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ है, तो ये तो उनके आचरण में है, और इसलिए अभी कहेंगे क्या, करेंगे क्या। सर आपकी तरफ से केंद्र में गए, मैंने इसलिए कहा कि केंद्र में नरेंद्र जी मोदी ने किसान सम्मान राशि जो 6,000 प्रतिवर्ष डालने के लिए कहा था, केंद्र ने जारी कर दी। ये मध्य प्रदेश सरकार के और अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को अभी तक वो राशि नहीं मिली, उनके कोड गलत कर दिए गए, उसके कारण किसानों के खातों में राशि नहीं आई। मैंने इसलिए इस मंच से निवेदन किया है कि वो दुरुस्त करें। ये किसानों का दायित्व नहीं है, ये सरकार का दायित्व है कि किसानों को समय पर उनका हक मिलना चाहिए। राशि के लिए भी किसान बहुत भटक रहे हैं इस विषय में, मैंने इसलिए वो ध्यान आकर्षित किया ना, किसान भटक रहा है ना, इसलिए परेशान है। आपकी सरकार आपके द्वारा केवल औपचारिकता सिद्ध करने के लिए नहीं है, सब लोगों को उनका सब विभागों का काम ठीक प्रकार से और समय पर होना चाहिए, समय अवधि में होना चाहिए। अभी तक बाढ़ में तो राहत कोष जो राशि आई थी सर, वो अभी तक नहीं बढ़ पाई है, क्या कारण? नहीं, राशि बढ़ रही है और लगातार केस बन रहे हैं और राशि लोगों के खाते में भी जा रही है, तो ये कहना उचित नहीं है कि राशि नहीं आई है। जो खेती का सर्वे है वो निश्चित रूप से अंतिम चरण में है, और जल्द ही उसके केस बन के RBC 64 की राशि खेती से संबंधित खातों में अब शीघ्र ही जाएगी, लेकिन जो जनहानि, पशु हानि और मकान हानि है उनके प्रकरण लोगों के खाते में जा रहे हैं। सर अभी कुछ जगह सर्वे बाकी है और पटवारी लोग हड़ताल पे हैं, इसमें कोई आदेश दिए गए उस मुद्दे पर अभी कोई कमेंट मेरे द्वारा किया जाना सही नहीं होगा।
हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये डेडलॉक ख़त्म होगा और जो मोमेंटम बना हुआ था वो जल्दी से फिर शुरू होगा और हम आने वाले हफ्ते 10 दिन में इस पूरी जो कार्यवाही है उसको पूर्ण करेंगे। सर, अभी तक जो आवेदन आए हैं यहाँ पर आपकी सरकार आपके द्वार, क्या अन्य बार की तरह इस बार भी आवेदन इसी प्रकार से रहेंगे या इनका निराकरण तुरंत हो जाएगा? नहीं, सभी का निराकरण तत्काल होगा और आने वाले दिनों में फिर यहाँ पर शिविर लगेंगे और उस समय आपको ये महसूस होगा कि इन आवेदनों का अच्छी तरह से निराकरण। सर, एक तहसील में कितने आवेदन कितने शिविर लगाए जा रहे हैं अभी, क्या मोमेंटम है? हम हर तहसील में 2-2 शिविर लगा रहे हैं हर महीने और उसको रोस्टर के हिसाब से लगाते हैं, तो भानपुरा, गरोट, इन इलाकों में अगले 1 महीने के बाद फिर शिविर। सर, अभी तक कहाँ पर लगा दिए गए हैं शिविर? अभी सभी तहसीलों में 2-2 शिविर लग गए हैं और मंदसौर इलाके में, मल्हारगढ़ के इलाके में और सुवासरा के इलाके में ये शिविर लगे हैं। गरोठ में कुछ दिन पहले लगा था और अभी भानपुरा में लगा है।